कि आपके जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है उनका कहना है कि तकरीबन 20 साल लगेंगे इंडिया को डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने में या बनने में। क्या कहेंगे आप? आदु जी, नमस्कार। शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, और सभी दर्शकों को नमस्कार और आभार। ये सी रंगराजन साहब ने कहा था कि ऐसा है। देखिए, बेसिकली अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन्होंने एक पैरामीटर लिया, वो है पर कैपिटा इनकम। अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखें तो इतना साल लगेगा, मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री में, लो इनकम ग्रुप कंपनी कंट्री में आते हैं। ये उन्होंने लॉजिक लगाया है। देखिए, अगर आप पर एक कैपिटा इनकम जाएंगे तो सबसे ज्यादा कतर की है। अभी कतर का जीडीपी आपको पता पाकिस्तान से कम है, 271 ट्रिलियन है। पाकिस्तान करीब 3 साढ़े 300 सॉरी 271 बिलियन है। पाकिस्तान में ट्रिलियन ना मुंह पे चढ़ गए, इंडिया का बोलते 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 बिलियन निकलता ही नहीं। तो दूसरे नो इस मेरे साथ भी दूसरे बहुत बार होता है। मेरी ऑडियंस कहती है जी दूस, मिलियन नहीं बिलियन थे, बिलियन नहीं मिलियन थे। मैंने कहा वो आप लोग खुद समझ लो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। नहीं, अब आजकल ट्रिलियन की आदत हो गई, बिलियन में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो तू आपका 350 बिलियन के आसपास जीडीपी है, कतर का 271 बिलियन है, और कतर हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम क्योंकि उनकी आबादी केवल 30 लाख है। फिर सिंगापुर नंबर टू पे आता है, या फिर आपका ब्रुनई आता है। ये नंबर वन कतर है, दो तीन ही आते हैं। मुझे बताइए, बाय दैट लॉजिक क्या सिंगापुर, कतर या ब्रुनई, तीनों की बात करो, क्या ये मिलिट्री सुपर पावर है? क्या ये न्यूक्लियर पावर्स हैं? क्या इनके पास सबसे बड़ी मिलिट्री है? क्या इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं? क्या इनके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? क्या इनका जियो पॉलिटिक्स में इतना दम है? क्या ये P5 के कोई मेंबर है? क्या ये क्वाड में I2U2 के, ब्रिक्स के, SCO की प्रेजिडेंसी इनके पास है? क्या इनके पास G20 की प्रेजिडेंसी है? क्या ये इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी है? कतर के पास पैसा क्यों? क्योंकि 70% दुनिया का गैस कतर में। सिंगापुर इज लाइक अ, सिंगापुर को 25, आपको पता सिंगापुर का एरिया कितना है? 25/40, 25/40 की वो बिजनेस टी है, इट्स अ बिजनेस टी। और ब्रुनाई इज अगेन बिकॉज ऑफ ऑयल। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम से देखें, हाँ हम पीछे हैं, कोई डाउट नहीं है। पर आप जहाँ दुनिया की करीब करीब 18% इनका का 18% आबादी रहती हो, वो पर कैपिटा इनकम में कभी आ सके नहीं आ सकती। आप कंबाइंड जीडीपी की बात कीजिए, आप पीपीपी की बात कीजिए, जिन पैरामीटर्स पे मैंने बात की उनकी बात कीजिए। कतर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? सिंगापुर सुपर पावर है, आपने कभी देखा सुना या जाना? मैं आपको हमेशा कहता था। और हाँ, ब्रुनई का भी सुपर पावर, ये सुना देखा जाना माना कि किसी के सपने में भी आया ये। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, बड़े आला ओहदे पे रहे हैं वो। बट ये प्रैक्टिकल चीज है, यू कैन नॉट रीड वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड इंटरप्रेट द होल स्टोरी। मतलब अगर आपको डाटा पढ़ना है तो पूरा पढ़िए ना आप। बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्टली बिल्कुल, मैं आपको आरजू जी हमेशा कहता था, वी आर नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी डोंट वॉन्ट टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर सुपर पावर इन मेकिंग। मैं डेवलपिंग डेवलप की तो बात ही नहीं कर रहा, ये मैं आज इस आर्टिकल के रेस्पॉन्स में नहीं कह रहा। अगर आप पिछले 2 साल के वीडियो देखे, मैं आपको यही कह रहा हूँ। तो यहाँ जो है, आज आपके पास इंडिया की करेंसी, इंडिया का रुपया, रुपए कार्ड और यूपीआई करीब करीब आरजू जी 35 कंट्रियों में एक्सेप्ट हो रहा है। हम सबके साथ फॉरन रुपी ट्रेडिंग के अकाउंट खोल रहे हैं, मतलब वेस्ट्रो अकाउंट। हमने रशिया के साथ तो शुरू कर दिया, रशिया और एक और कंट्री श्रीलंका के साथ। नेपाल में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलती है, श्रीलंका में इंडियन रुपया सब्सिडरी करेंसी चलेगी, और यही उन 35 कंट्रियों में चलेगा। पीछे जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चांदनी चौक से एक दुपट्टा खरीदा और रुपये कार्ड से अपने पैसा दिया। जर्मन के एम्बेसडर ये कहते हैं कि आई एम इम्प्रेस बाई द अमाउंट ऑफ डिजिटलाइजेशन इंडिया हैज डन एंड जर्मनी हैज टू लर्न फ्रॉम देम। हमारे यहाँ अक्टूबर की बात आपको बताऊँ, आपको पता है टोटल कितना ट्रांजेक्ट हुआ डिजिटली? ये तो मैंने आपको बताया था कि हर 3 रुपए में से 2 रुपया यू नो ट्रांजेक्टेड डिजिटली। वी डिड $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। हमारा जो फिनटेक है, हमारा जो ये मार्केट है, वो अब इसकी इस मार्केट का वैल्यूएशन करीब $6 ट्रिलियन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हर एक चीज की वैल्यूएशन ट्रिलियंस में है, आप एक पर कैपिटा इनकम को लेके कैसे बेंचमार्क कर रहे हो? पहले तो ये काम आपके एक दूसरे चैनल पे कोच से वो बड़ा करते थे, तो तब मैंने उन्हें समझा, उसके बाद उन्होंने पूछा नहीं। मैंने कहा यार ये कम से कम सिंगापुर और कतर से तो कंपेयर मत करो ना आप। B4 में इंडिया आता है, चाइना आता है, US आता है और रशिया आता है। इवन रशिया कैन नॉट बी इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया में वो इकोनॉमी है नहीं। तो अगर हम इकोनॉमिक सुपर पावर की बात करें, ओवरऑल सुपर पावर की बात, रशिया इज द सुपर पावर बिकॉज इट्स मिलिट्री पावर। और आरजू जी नंबर 1 पीपीपी में चाइना आता, नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स आता, नंबर 3 हम आता। लॉन्ग रन में चाइना रहेगा नहीं, इट्स द रेस विल बी बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो ये बातें तो बेमायनी है।
और अब आप जेपी मॉर्गन की स्टडी देखें, मैकेंजी की देखें, उन्होंने कहा पिछले नेक्स्ट 8 साल में विल बी अ ट्रेंड ट्रिलियन इकोनॉमी। तो कितनी इकोनॉमी ट्रेंड ट्रिलियन है? अब जर्मनी का आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, -0.3 है, जापान का 1.3 है, चाइना तो 2.3 पे धक्के खा रहा है, यूएस में तो 1.3-1.4 की बातें हो रही है, हमारा कितना है? हमारा 7% है। ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं, उन्हें सब पता है, बट ही इज पिकिंग वन पार्ट ऑफ द डाटा एंड ट्राइंग टू एक्सट्रपोलेट अ इमेज आउट ऑफ इट, वो गलत है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आज हमारी करेंसी करीब 35 कंट्रियों में चल रही है, वेस्टर्न अकाउंट्स खोल रहे हैं, ऑन अप्रूवल खुलता है, धीरे धीरे हर जगह हम रुपए ट्रेडिंग की बातें कर रही है। जिस दिन ये हमारी करेंसी 40 से 50 कंट्री में चलने लगेगी, वी विल ऑटोमेटिकली एंटर आईएमएफ्स करेंसी बास्केट। मिलिट्रीली हम नंबर थर्ड, पीपीपी वाइज वाई नंबर फोर, बाय एब्सोल्यूट जीडीपी वाई नंबर फाइव, थर्ड पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, वी हैव मोर, वी हैव अ पावरफुल एयरफोर्स एंड चाइनीज एयरफोर्स, राइट, आवर आर्मी इज मच इन नंबर देन चाइनीज, वी आर द गारंटी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, we are the solar power of the world, we are the part of the sun alliances, we have the wind, highest wind energy, we have the highest youth, we have 8 million youth population, we are the youngest competent population in the world, our market size of various industries in trillions of dollars, we are a super space superpower. to agar aap in sab cheezon ko baat kare to what else makes a superpower? aur aapko ek aur cheez batau, superpower banne ke liye char cheeze hoti, pehle hum discuss kar chuke hain, military, country, gdp ka size, aur aapki अगर आप यू आर अ न्यूक्लियर पावर दैट विल ऐड ऑन टू इट, बट ठीक है नहीं भी होगे तो चल सकता, बट न्यूक्लियर पावर एड्स ऑन टू इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज बैकिंग योर करेंसी? आरजू जी, हमारे पास इतना सोना, जो हम पहले आपके शो पे बात कर चुके, पूरी दुनिया का सोना एक तरफ, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है, दैट विल बी अ गारंटी टू अवर करेंसी टू गो ग्लोबल ना। जब इतनी सारी चीजें हमारे पास है, आप पर कैप्टा कम रहेगी, हम 135 करोड़ लोग हैं, चाइना 140 करोड़ है, और ये एक और बात बताइए, चाइना का हमसे थोड़ा सा ज्यादा पर कैप्टा इनकम है, राइट, तो चाइना कैसे फिर श्रेणी में आता है? मैं चाइना से कंपेयर नहीं कर रहा, बाकी चाइना का हर नंबर नकली है, जहां दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहेगी, यू कैनॉट कंपेयर देम दैट। तो ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, मैकेंजी या जेपी मॉर्गन कहता है, या दुनिया का हर छोटा बड़ा इदारा कहता है, ये जो लोग कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी रिसेशन, ये जो कहते हैं इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन, वर्ल्ड ऑफ रिसेशन, कि ये सब गलत कह रहे हैं क्या? गलत नहीं कह रहे, दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर, दे आर लुकिंग एट द होलिस्टिक पिक्चर। अगर मैं एक चीज उठा के उसको एक्सट्रोलेट करूं, ठीक है हमारी पर कैपिटा लो रहेगी, बट दैट्स ओके, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दैट डज नॉट स्टील अवर चांस ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग, थे है और रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर टाइम तो लगेगा ना, जैसे वो कह रहे हैं उसमें आर्टिकल में भी है, तो मैं आपको 20 इयर्स और उन्होंने वो बात तो गलत नहीं है, उन्होंने वो अर्जुन जी उन्होंने बोला, अगर हम केवल पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें, मैं पर कैप्टा की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा पर कैप्टा कम है दुनिया में, बताइए दूसरी कंट्री जिसके इतने क्रेडेंशियल, और हमारे साथ तो चाइना और हमारा मीडियन एज 11 साल का डिफरेंस है, चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक आप देखिए, चाइना जब 10-11 साल रहेगा तब बात करेंगे, मेरे हिसाब से तो रहेगा नहीं, तो बट सवाल यहाँ है कि वेयर डू वी स्टैंड टूडे एंड वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ, देयर इज नो कंट्री व्हिच इज पैरेलल टू इंडिया इन द वर्ल्ड, किस कंट्री के पास इतना बड़ी डेमोक्रेसी और इतना ग्रोथ विद इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी और इतना बड़ा मार्केट है? आपको एक और बात बोलो, आप इंडिया चाइना की कंपैरिजन हो रही है, एक और लगे लगे हाथ एक छोटा सा डाटा बोल देता हूँ, आप बोलेंगे तो सुमित जी फिर चाइना में घुस गए, बट ये जो चाइना की बात हो रही, तो आप चाइना को खत्म करके छोड़ेंगे सर, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं बताइए। देखिए यहाँ एक बार आपको बता दूं, ये कोई मुझे इकोनॉमिक समझा दे, कोई कहता चाइना की इकोनॉमी 14 ट्रिलियन है, कोई कहता 17 ट्रिलियन, कोई 18 ट्रिलियन, मैं 18 ही ले लेता हूँ, एक ही कंट्री है जिसमें ना भाव लगता है मंडी में, इकोनॉमी कितनी बड़ी है, बाकी हर एक की फिक्स्ड है, उनकी वेरिएबल पता नहीं क्यों। अब मैं 18 मान लेता हूँ, 3 ट्रिलियन चाइना का एक्सपोर्ट है, बची 15, आबादी हमसे 5% ज्यादा, ठीक है, मुझे बताइए हम 3.6 से 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हमसे कितनी ज्यादा हो गई? हमसे करीब करीब 4 गुना ज्यादा हो गई। हम इस इकोनॉमी में थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी है, रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी है, और चाइना डूबता जा रहा है, व्हिच इज 4 टाइम्स द इकोनॉमी ऑफ आवर साइज एंड द पॉपुलेशन इज ओनली 3-5% मोर। जय हिंद दोस्तों, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन अब भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा और विकसित देश का दर्जा हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन ने शनिवार को कहा कि भारत और विकसित देश का दर्जा पाने के लिए 2 दशकों से भी अधिक समय तक लगातार
8 से 9% की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचाना एक निकट अवधि वाला आकांक्षी लक्ष्य है। इसकी वजह यह है कि उस स्थिति में भी देश के प्रति व्यक्ति आय $3,472 ही होगी, जिससे इसे एक मध्यम आय वाला देश ही माना जाएगा। 2 दशकों तक 8 से 9% वृद्धि दर दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी भारत को एक उच्च मध्य आय वाला देश बनने में 2 साल का वक्त और लगेगा। श्री रंगराजन ने कहा, इसके अलावा एक विकसित देश बनने के लिए भारत के प्रति व्यक्ति आय कम से कम $13,205 अरब होनी चाहिए। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए देश को 2 दशक से भी अधिक समय तक 8 से लेकर 9% तक की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब।